बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव को लेकर क्या होगी बीजेपी की रणनीति, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर और मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक के बाद जारी की गई है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी उन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां पार्टी पिछले यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से हारी थी या फिर जहां पार्टी को कभी जीत हासिल नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार सीईसी की बैठक में हर सीट पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की गई थी। बीजेपी ने अपने आप में ये पहला प्रयोग किया है कि जिन सीटों में पार्टी बेहद कमजोर है वहां पहले से ही उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब तक चुनाव घोषित होने के बाद ही लिस्ट जारी की जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।